गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंस नया व्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप सब? और भाई आज सुबह सुबह मैं और बुनू निकल लिए हैं थोड़ा सा घूमने। ये रहा बुनू। बेसिकली क्या है, बुनू की डिवॉर्मिंग जो है ड्यू है, तो आज हम जा रहे हैं बुनू के लिए दवाई लेने और उसके बाद हम जाएंगे इसकी थोड़ी सी कटिंग करवाने आँखों की, क्योंकि आँखों के बाल इसके ना बहुत बड़े हो गए हैं। और शिटजू डॉग जो होता है ना, उसके बाल जो है अगर वो आँखों में आएंगे तो उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर रहता है। तो आज मैंने कहा भाई तू सुबह सुबह चल, पहले मैं तेरी ही सेवा करवा के लाता हूँ, तेरे को ही थोड़ा चमका के लाता हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। और आइज़ भी क्या है ना इसकी थोड़ी गंदी हो रही है, वो बाल आते हैं तो उससे थोड़ी और ज़्यादा गंदी होती है। तो आज इसके लिए मैंने टाइम निकाला है सुबह सुबह। स्नेहा अभी थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी, फिर मैं अभी घर पहुँचूंगा इसकी बस कटिंग करा के, देन फिर कुछ खाऊंगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे घर शिफ्ट करें, कहाँ ना करें, कहाँ कहाँ ऑप्शंस और देख सकते हैं। आज बहुत सारे डीलर्स को दोबारा से बोला है, तो आई होप कि आज हमारा फाइनल हो जाएगा और हम मतलब ये जो झंझट है ना भाई, आज हम फाइनल कर लेंगे, इससे निपट जाएंगे। क्योंकि फिर कल थोड़ा सा फ्री रह के परसों उससे नेक्स्ट डे कुछ शूट भी करना है, वो भी प्लान कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हो नहीं पा रहा है। रोज़ रोज़ बस यही होता है, डीलर का फ़ोन आता है भाई आप आ जाओ, तो उसमें अगर मैं मना करूँगा उसको और शूट करता रहूँगा तो फिर लास्ट में बिल्कुल डिले हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई आप खाली कर दो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी घोच पोच हो के चल रही हैं। और ये बुनू देखो मज़े ले रहा है फुल। जब हम इसको ये बोलते हैं ना कि भाई आज हम दवाई लेने जा रहे हैं, ये घबरा जाता है, छुप जाता है। देखो अभी यहाँ खड़ा है, अभी जैसे ही हॉस्पिटल के पास पहुँचेगा या केमिस्ट की दुकान के पास पहुँचेगा ना, तो छुप जाएगा, है ना बुनू? और ये हम पहुंच गए हैं भाई कैलाश केमिस्ट पे, हमेशा जहाँ से ब्रूनो के लिए दवाई लेते हैं। सो बस अभी एक ही हमें दवाई लेनी है और फिर हम वापस से चलते हैं। और ये मार्केट बहुत बड़ी है, देख लो यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको इजीली कैलाश केमिस्ट पे ना। जितने भी आपको डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, किसी भी पेट के लिए दवाई चाहिए वो मिल जाएगी, आपको अपने लिए भी चाहिए वो भी मिल जाएगी, मतलब ये बहुत बड़े केमिस्ट हैं। सो भाई ब्रूनो की दवाई ले ली है हमने और अभी हम जा रहे हैं जिगली, वापस का थोड़ा सा हेयर कट कराते हैं। और ये भाई साहब पहले ही थोड़ा सा डर के छुपने वाले हैं अब सीट के नीचे, है ना बुनू? छुप जाएगा तू? इसको बहुत डर लगता है भाई, मैं छुप रहा हूँ। और जैसे ही वहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे ना हम पार्किंग में, मार्केट में, जैसे उसकी शॉप के सामने, जाके नीचे छुप जाएगा कि अब निकाल लो बेटा मेरे को, बहुत चंट बालक है ये। सो भाई मैं और बुनू पहुँच गए हैं जिगली ग्रीन पार्क और अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अराउंड 15-20 मिनट्स, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ना अपॉइंटमेंट लिया नहीं था, वो तो बाई चांस प्लान बना कि भाई चलो एक बार कटिंग करवा लेते हैं और यहाँ पे आ गए, तो अभी कोई नहीं वेट कर लेंगे। और बाकी बताए इस स्टोर पे डिस्काउंट काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, सब जितने पेट फूड है उस पर भी चल रहा है और ग्रूमिंग सर्विसेज पे भी। तो भाई हम तो हमेशा यहीं आते हैं, मैं और बुनू, बुनू को यहीं पसंद है ना बुनू? यहाँ पे एक भैया हैं वो बहुत अच्छी कटिंग करते हैं, तो इसलिए बुनू खुश हो जाता है। ये ब्रूनो का फ्रेंड है यहाँ पे, कितना सुंदर है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छी कटिंग है भैया। भैया बहुत अच्छी कटिंग करते हैं हमेशा। कोको देखो, कोको लो। और बहुत सारी ट्रीट्स भी आज बुनू इसमें से बहुत सारी लेके जाएगा, इस पे 10% ऑफ चल रहा है और ये भी सब 10% ऑफ है। और ये जो पेट के लिए जो भी खाना चाहिए उसके सब पे 10% ऑफ मिल रहा है भाई, तो कोई सा भी ले सकते हो, रॉयल कैनिन है, पेडिग्री है, चाहे डॉग के लिए चाहे कैट के लिए, आपको मिल जाएगा। ये एक और ब्रूनो का फ्रेंड है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और विंटर के लिए भी जैकेट्स भी आ गई, इन पर भी 30% ऑफ है, तो अभी आप ग्रैब कर सकते हो ये ऑफ़र। और यहाँ पे शूज़ भी मिल जाएंगे, ये देखो इतने सारे शूज़ हैं, सारी ग्रूमिंग की चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ से शैम्पूज देख लो कितने सारे वैरायटी है। और मैं कर रहा हूँ भाई यहाँ पे वेट, अभी ब्रूनो को कम से कम उसको 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि अभी वो नहा रहा है, फिर ड्राई करेंगे और फिर उसकी कटिंग चालू होगी। तो मैं अंदर नहीं गया क्योंकि वो मेरे को देख के ना भाग लेता है, फिर नहीं कटिंग करवाएगी कि छोड़ दो मेरे को। ये एक और फ्रेंड है, छोटा फ्रेंड है ये ब्रूनो का, ये भी बहुत अच्छा है। हेलो ब्रूनो ने कटिंग करा ली है, ये रहा ब्रूनो, चल 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 जल्दी चलेंगे, चलो भैया को थैंक यू बोलो, चलो जल्दी आओ, भागो 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 भागो, बिल दे दे जल्दी, बिल दे दे बिल। मेरा बुनू, बुनू दोस्त है।
ब्रूनो फ्रेंड, ब्रूनो को यहाँ फ्रेंड मिल गया, अब इसको घर नहीं जाना। चले अरे भाई बूनू ने करा लिया कटिंग, ये रहा बूनू, और बूनू बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी हम निकल गए हैं वापस घर के लिए, और पता है एक बहुत देर लग गई है भाई, स्नेहा तब से फोन करे जा रही है कि भाई कब आओगे, सिर्फ 15 मिनट बचे, उसकी 4 बजे क्लास है। मैंने कहा भैया चाबी हमारे पास ही, तो तुम सिर्फ 2 मिनट रुक जा, हम बस फटाक से भाग के आ रहे हैं। तो वैसे भाग के घर चलते हैं, फिर भाई मैं नहाऊंगा, बूनू भी खाना खाएगा, बूनू ने भी कुछ नहीं खाया है, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, फिर हम कुछ काम करेंगे भाई। अब बूनू लेके आया अपनी नई ये वाली ट्रीट, बूनू को बहुत पसंद आई है ये, बूनू खाएगा ले, बूनू को दे देते हैं थोड़ी सी देते हैं ये, ले बूनू लेगा ये, देखो बूनू कैसे खाएगा इसको, बूनू को बहुत पसंद आई है ये बहुत। मैसेज तो आया नहीं अभी तक, बोलू खा गया भाई, इसको अच्छी लगी। और बूनू अब खा रहा है खाना, इसको बहुत भूख लगी क्योंकि सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है, हमें पता नहीं था इतनी देर लग जाएगी, है ना बूनू, पर सुंदर बना दिया इसको पापा ने अब, है ना बोले। इसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अब इसके लिए दवाई लेके आए हैं, अभी बस खाना खा रहा है, हो सकता है शाम को दवाई खिला देंगे अभी, क्योंकि खाली पेट तो खिला नहीं सकते। और भाई आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, भाई आज का दिन बहुत बहुत बिजी रहा, मतलब बिजी तो यही कि सिर्फ बूनों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, और फिर शाम को मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, अभी भी देखो मेरे को ऐसे थकान लग रहा है। स्नेहा अपनी क्लास से आ गई है, और हमने थोड़ा सा कुछ खाया है, ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि मैंने 4:30-5 बजे तो खाना खाया ही था। और कल बनानी है स्नेहा की डांस की वीडियो, सो भाई उसमें सुबह सुबह हम जल्दी जाएंगे, मतलब 7:30-7, मतलब मैक्सिमम 8 बजे तक हम निकल जाएंगे, और फिर वीडियो बनाएंगे। देन फिर मुझे अपने GST के लिए जो अप्लाई किया था ना भाई, उसमें इतनी दिक्कत आ रही है ना भाई, इतनी दिक्कत, पता नहीं क्या हो गया उसमें, हर चीज़ में ये चीज़ नहीं है। अब सुबह फिर मुझे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारी हमने स्टूडियो ले रखा है वहाँ पे ओनर के पास, उनसे फिर 2-3 चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, फिर फोटोकॉपी करा के, फिर उनके साइन करा के, फिर वापस से मेरे को सबमिट करनी पड़ेगी। देन फिर उसमें अब वो 6-7 दिन लगाएगा, और वो भी ये पता नहीं है कि भी एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, जो होगा ना आगे पता चलेगा भाई, बहुत टेंशन है, बट कोई नहीं, जो होगा अच्छा होगा, लेट्स सी। अब कोशिश तो कर ही रहे हैं भाई, जो टाइम लगेगा। सो इस ब्लॉग को भाई यहीं एंड करते हैं, मैं थोड़ा एडिट का काम कर लेता हूँ, थोड़ा डाटा कॉपी कर लेता हूँ, सुबह टाइम नहीं मिलेगा, और अब आपसे मिलेंगे कल एक नए दिन पे एक नई शुरुआत के साथ, और हमारी तरफ से आपको टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।